नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। आईसीसी ने नवंबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर और महिला क्रिकेट में वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर खिलाड़ी हेली मैथ्यूज को प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब से नवाजा गया है। बता दें कि वॉर्नर ने T20 वर्ल्ड कप में कमाल की बल्लेबाजी की थी और ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वॉर्नर ने T20 वर्ल्ड कप 2021 में 48.16 की औसत से 289 रन बनाए थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 53 और पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 49 रन की पारी खेली थी। उनकी पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार T20 का खिताब जीता था। 2021 T20 वर्ल्ड कप में वॉर्नर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया था। वहीं एशेज के पहले टेस्ट में 94 रन की पारी भी वॉर्नर ने खेली। T20 वर्ल्ड कप से पहले वॉर्नर बुरे दौर से गुजर रहे थे। वॉर्नर के लिए 2021 का IPL बेहद ही खराब गया था, यहां तक कि उन्हें हैदराबाद की कप्तानी और टीम से बाहर भी कर दिया गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने हार नहीं मानी और T20 वर्ल्ड कप में अपनी खोई हुई फॉर्म को हासिल किया और साथ ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजे गए। ICC ने वॉर्नर के अलावा पाकिस्तान के आबिद अली और न्यूजीलैंड की टीम साउदी को नवंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब के लिए नॉमिनेट किया था। वॉर्नर को इन सभी से ज़्यादा वोट मिले और ये खिताब वॉर्नर जीतने में सफल रहे। यानी ICC हर महीने एक फेवरेट खिलाड़ी के लिए वोट डलवाती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।